अच्छा कोई नई नवेली दुल्हन आएगी अपने वहाँ तो अगर वो बिना वो घूंघट ना रखे तो उसको क्या क्या लोग कहते हैं? तो कहेंगे कि इनके पास थोड़ा भी शर्म नहीं है, माँ बाप इनको क्या सिखाया है, ऐसे बहुत सारी बातें लोग कहेंगे। आप अपनी बताइए कि मतलब आपको लगता है कि हमें घूंघट में रहना चाहिए? नहीं नहीं लगता है। अच्छा ये बताइए महिलाओं को घूंघट क्यों डालना चाहिए? अपने ससुराल में अपने बड़ों से बचने के लिए थोड़ा सा घूंघट करना चाहिए। आप अपने ससुराल आई थी तो आप घूंघट में आई थी? हाँ हाँ, हम तो अभी भी घूंघट में ही रहते हैं। अच्छा कैसा लगता है घूंघट में रहने में? अच्छा लगता है। क्या आपके पति आपके मायके जाते तो क्या वो भी घूंघट डालते हैं? नहीं नहीं नहीं। क्यों? वो क्यों घूंघट में जाएंगे? बताइए क्यों नहीं डालते हैं? आखिर में जब महिला को डालने का है तो पुरुष को भी तो डालना चाहिए ना। अरे वो मर्द है ना, घूंघट तो औरतों के लिए बना है ना। हालांकि हर चीज जो भी है सब औरतों के लिए है। सारा पर्व हम लोग ये चाह रहे हैं कि मतलब ये पाबंदी पूरा हटी जाए और पुरुषों पे भी लगे। अब पुरुषों भी लगे हैं, हम दोनों की बराबरी में हो जाए। बराबरी चाहते हैं। आपको कैसे पता कि घूंघट महिलाओं के लिए बना है? पता नहीं है, लेकिन हम हमेशा से देखती है कि महिलाएं हमेशा घूंघट में ही रहती है, पहले शुरू शुरू में, बाद में भले ही वो घूंघट कम कर देती है। अच्छा आप चाहते हैं कि आपके पति भी घूंघट में रहें? नहीं। क्यों? क्योंकि मर्दों को ये शोभा नहीं देता, औरतों को ही शोभा देता है घूंघट। मतलब हम लोग भी बाहर जा सकें, हम लोग भी कुछ काम कर सकें, मतलब ये घूंघट में न रहें, ये सब पाबंदी हट जाए।